20वीं सदी की शुरुआत में इंटेलिजेंस के बारे में कई तरह के विचार थे। इंटेलिजेंस फिक्स्ड है या टाइम के साथ चेंज होती रहती है? बच्चा अपने माता पिता से इंटेलिजेंस इनहेरिट करता है या फिर उसका एनवायरनमेंट उसकी इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है? क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को ही इंटेलिजेंस कहेंगे या फिर स्पेसिफिक स्किल्स और टैलेंट्स जैसे कि म्यूजिक, सिंगिंग एबिलिटी, इनको भी इंटेलिजेंस की कैटेगरी में डालेंगे? जब इतनी डिबेट चल रही थी तब ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन ने जनरल इंटेलिजेंस के आइडिया को प्रपोज किया, जो कि प्राइमरली मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटीज पर फोकस था। अराउंड 1904 में स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस को एक जनरल और ब्रॉड मेंटल एबिलिटी कहा, जो कई तरह की कॉग्निटिव एबिलिटीज के एडिशन से बनती है और डिसाइड करती है कि एक व्यक्ति कैसे नॉलेज प्राप्त करता है और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, स्पेशियल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और वर्बल नॉलेज को कैसे गेन करता है या फिर इन एरियाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। स्पीयरमैन के अनुसार इन सभी के अक्रॉस एक चीज कॉमन है, वह है जी फैक्टर, जो इन सभी एरियाज में हमारी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए स्पीयरमैन ने पार्टिसिपेंट्स को इन्वाइट किया और उन्हें मेंटल एप्टीट्यूड एंड कॉग्निटिव क्वेश्चंस के ऊपर टेस्ट किया, टेस्ट रिजल्ट को एनालाइज किया एंड चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपने रिसर्च में यह नोटिस किया कि जो पार्टिसिपेंट्स एक मेंटल टास्क में अच्छा कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वह दूसरे मेंटल टास्क में भी अच्छा कर रहा होगा। फैक्टर एनालिसिस टेक्निक से स्पीयरमैन ने यह कंक्लूजन निकाला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों मेंटल टास्क के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, जी फैक्टर। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी का बॉडी टाइप एथलेटिक है तो वह एक अच्छा रनर होगा, ऑब्वियस सी बात है। 100 मीटर या फिर मैराथन में अक्सर वह टॉप एथलीट में आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्विमिंग में भी बहुत ज़्यादा स्किलफुल होगा या टॉप का स्विमर होगा, पर इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि वह बाकी उन सभी लोगों से स्विमिंग में बहुत बेहतर होगा जिनकी बॉडी एथलेटिक नहीं है। यहाँ पर एथलेटिक बॉडी का होना एक कॉमन फैक्टर है, एक तरह का जी फैक्टर है, जो कि डिफरेंट फिजिकल स्पोर्ट्स में हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। स्पीयरमैन ने इस कॉमन फैक्टर को जी फैक्टर यानी कि जनरल इंटेलिजेंस कहा। चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार जनरल इंटेलिजेंस कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनती है। कई एक्सपर्ट के अनुसार 30 से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, पर प्राइमरली 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, न्यूमेरिकल एबिलिटी। यह इंडिविजुअल की वह एबिलिटी है जिससे वह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जहां पर नंबर्स और लॉजिक का यूज होता है। विजुअल स्पेशियल कंपोनेंट्स, किसी भी इंडिविजुअल की वह क्षमता जिससे वह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जहां पर स्पेस और पिक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वर्बल रीजनिंग, ये तो ऑब्वियस सा है, ये हमारे रीडिंग और कंप्रिहेंशन स्किल्स डिसाइड करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्लूइड रीजनिंग। फ्लूइड रीजनिंग का मतलब यह है कि वह व्यक्ति आसानी से एक टॉपिक को या किसी एक इश्यू को कई एंगल्स या कई पर्सपेक्टिव से देख सकता है। यह फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र में काफ़ी यूजफुल रहती है और पॉलिसी मेकिंग में भी, जहाँ पर आपको हर एक समस्या को सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ता है। फ्रेंड्स, होप यू लर्न समथिंग अबाउट जनरल इंटेलिजेंस टुडे। डू शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग द गुड लाइफ।